ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बीएड डीएड वालों के लिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है बीएड डीएड को लेकर। आगे एडमिशन यहाँ पे होने वाले हैं, उसके लिए फॉर्म आ चुका है। कैसे क्या फॉर्म भरना है, कब तक फॉर्म भरना है और बीएड डीएड को लेकर आपके सारे सवालों के यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि आने वाले समय में बीएड डीएड होगा कि नहीं होगा, किस प्रकार से होगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो बी एड डी एड के लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँ कि पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में LLM फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लिस्ट जारी हुई है और आज यानी कि 12 अगस्त के दोपहर 3 बजे तक सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको, जिसमें कि आपके लिए TC और माइग्रेशन है तो माइग्रेशन, ठीक है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आरक्षण के लिए निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको 10वीं 12वीं जितने भी आपके डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। अनरजिस्टर कैटेगरी में 42 नंबर हाईएस्ट है, 15 लोगों के नंबर, 30 नंबर लोएस्ट है। OBC कैटेगरी में 6 स्टूडेंट है और SC कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 5 स्टूडेंट है, ST में 9 और स्पेशल कैटेगरी में 2 है, ठीक है। तो ये इतने सारे जो लोगों के नाम हैं, ये लोग दोपहर 12 बजे को यहाँ उपस्थित होकर एडमिशन लेंगे लॉ विभाग में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो बात कर रहे थे बीएड डीएड के लिए, तो यहाँ पर देखिए अब क्या कर दिया गया है बीएड और बीएड के लिए। तो यहाँ पर देखिए, किसी ने बहुत पहले मुझे कमेंट में पूछा था बीकॉम बीएड, तो बीकॉम बीएड भी आप लोग कर सकते हैं। बीए बीएड है, बीएससी बीएड है जो पहले भी होता था, यहाँ पर बीकॉम बीएड भी है। तो इस तीनों टाइप के बीएड को इंटीग्रेट करके एक प्रोग्राम बनाया गया जिसको ITEP कहा जाता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये टोटल 4 साल का होता है और इसके लिए एक टेस्ट हुआ था NCTE के द्वारा, एंट्रेंस टेस्ट हुआ था। तो उसमें जितने भी लोग, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अकॉर्डिंग जो भी ITEP एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि NCTE द्वारा 2024 में अभी लिया गया है, उसमें पास हो चुके हैं वो लोग 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, ये आगे पढ़ाई इसकी कर सकेंगे। और जिनका एक अलग इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में, ये फॉर्म आप लोग गूगल फॉर्म लिंक के द्वारा भर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। ये फॉर्म मैंने देखा हूँ खोल के, तो इसमें आपका नाम, सारी चीज़ें, रोल नंबर, NCTE का ईमेल ID, फ़ोन नंबर, है ना, और कौन सा कोर्स आपको चाहिए, BA BEd चाहिए, BSc BEd चाहिए, BCom BEd चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया। और इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है एडमिशन किस प्रकार से होगा, तो जिसने 12th किया है और उन्होंने NCTE की एंट्रेंस टेस्ट, जो ITP का एंट्रेंस, ITEP का एंट्रेंस टेस्ट होता है वो क्लियर किया है, सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनका PG हो गया था वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते थे। ज़रूरी है इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना, जो कि पहले हो चुका है। अब वो जो लोग पास हो चुके हैं वो गूगल फॉर्म का यहाँ पर लिंक दिया गया है, उसमें सारी चीज़ें यहाँ पर भर के इस फॉर्म, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट 20 अगस्त रखा गया है, तो अभी एक हफ्ता का टाइम है। जब आप लोग सारे बॉक्सेस को भरना है, सारे इंपॉर्टेंट है गूगल फॉर्म में, एकदम सिंपल से इंफॉर्मेशन है, आपका नाम है, इसका रोल नंबर है, जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसमें कितने नंबर मिले हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया। और ये इम्पोर्टेंट नोटिस ये दिया गया है कि जो भी नंबर आप उसमें डालेंगे वो नंबर आपका चालू रहना चाहिए पूरा एडमिशन प्रोसेस होते तक। बाकी इसके फीस वीस के बारे में यहाँ पर अभी जानकारी नहीं है, तो पहले आपको ये गूगल फॉर्म भर लेना, उसके बाद आगे नोटिफिकेशन जारी होगा, उस हिसाब से आपको आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप में और ईमेल के द्वारा आपको बताया जाएगा, ठीक है, एडमिशन का इंफॉर्मेशन। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं ITEP के लिए। तो BCom BEd भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, तो कुछ लोग कमेंट किए थे उसके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।